हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये ब्यूटीफुल बास्केट, हैंगिंग बास्केट, एक सर्कुलेंट की है। इसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ बनानास। और ये बहुत ही प्रिटी एक ट्रेलिंग वाइन होती है और इस ये हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये मैंने 5 महीने पहले लगाई थी और बहुत छोटी छोटी टहनियाँ इसकी काट के इसमें बाय कटिंग इसमें प्रोपोगेट किया था। और स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो, मैं आपको पूरी वो अपडेट दूंगी 5 महीने की। 5 महीने पहले ये कैसे मैंने इसकी पॉटिंग सॉइल क्या ली थी और कैसे इसको प्रोपोगेट किया था। और बहुत मज़े की होने वाली है ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। ये नीचे हैंग करता है, ट्रेल करता है, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये थोड़े से कोल्डर क्लाइमेट में ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो नॉर्दर्न इंडिया में गर्मियाँ बहुत तेज़ होती हैं तो कई बार ये थोड़ा विल्ट कर जाते हैं। सर्कुलेंट सारे, ये भी सर्कुलेंट ही है, ये भी सर्कुलेंट। थोड़े विंटर्स आते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। तो अभी अगस्त एंड हो रहा है तो यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम हो गया है। अब हल्की हल्की ठंड शुरू होने वाली है। आप जितने भी चाहते हैं सर्कुलेंट्स लगाना, इस समय राइट टाइम है, आप खरीद सकते हैं, लगा सकते हैं। अवेलेबिलिटी भी हो गई है नर्सरी में। तो ये स्ट्रिंग ऑफ बनानास हम लोग आज लगाएंगे। और इसको क्या करेंगे, ये मैं कटिंग लेके आई हूँ, इसकी कटिंग ईजिली लग जाती है तो ये इसको कटिंग थोड़ी शॉर्ट कर देते हैं। इसकी लीव्स भी वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसकी लीव्स भी से भी प्रोपोगेशन हो जाता है। तो ये कई जगह से मैंने कटिंग कर दी है। सर्कुलेंट्स जब ग्रो करते हैं इसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसकी पॉटिंग सॉइल बहुत वेल ड्रेनिंग और करेक्ट होनी चाहिए। करेक्ट मतलब होता है कि इसका एक क्राइटेरिया है कि पानी डाले और निकल जाए, चाहे जो आप कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। मैंने कॉम्बिनेशन जो ट्राई किया है 1/3 सैंड, 1/3 गार्डन सॉइल और 1/3 काउडंग मैन्योर। उसके साथ मैंने लिया है ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है, ये चारकोल के पीसेज हैं। ये ड्रेनेज में हेल्प करेंगे, एरेशन में हेल्प करेंगे, फंगल अटैक से बचाएंगे प्लांट को। नेक्स्ट पॉइंट है पॉटिंग सॉइल के अलावा कि ये कंटेनर बहुत बड़ा ना हो और इसका ड्रेनेज होल अच्छा हो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों क्राइटेरिया आप ध्यान में ज़रूर रखिए। पॉटिंग सॉइल में हम लोग को फंगीसाइड ज़रूर यूज़ कर लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर सर्कुलेंट्स फंगल अटैक से ही ख़त्म होते हैं। तो ये मैंने कुछ फंगीसाइड डाला है ब्लू कलर का। तो ये फंगीसाइड डाल के थोड़ा मिक्स कर देते हैं। और ये सॉइल बहुत गीली है क्योंकि बारिशें हो रही हैं और पानी बहुत ज़्यादा है। अब इसको पॉटिंग करने के बाद मैं इसमें पानी एकदम भी नहीं डालूंगी। जो हम लोग ने कटिंग ली थी इसको हम लोग थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन लगा देते हैं। रूटिंग हार्मोन लगा के इसका प्रोपोगेशन लीव से भी हो जाता है। बस अब इसको चारों तरफ हम लोग लगा देंगे। बस इसको हल्का सा दबा देंगे। जो लीव्स गिरी हैं ये भी वापस मैंने इसलिए डाल दिए क्योंकि इसका प्रोपोगेशन बाई लीफ भी हो जाता है इजिली। ये खूब सारी कटिंग लग गई है। पॉटिंग सॉइल बहुत ही ज्यादा वेट है इसलिए मैं इसमें जरा भी पानी नहीं डालूंगी। अगर आपकी पॉटिंग सॉइल एकदम ड्राई है तो आप स्प्रे बॉटल से थोड़ा स्प्रे कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।